DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. ऐसा था कि अभी तक की जो जानकारी थी आप लोग, उसके बाद में हमारे पास में 3 मरीज और पॉजिटिव आए हैं. 2 मरीज जो पॉजिटिव हैं वो ऑलरेडी, एक मरीज हमारे पास था, उनकी पत्नी और बच्चे हैं, और एक महिला और है, उसका भी कांटेक्ट है हमारे पास में. तो इस तरीके से 3 मरीज और पॉजिटिव हैं. तीनों जेएलएन में भर्ती थे. सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमने उनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट कर लिया. जो दूसरी अच्छी बात वो ये है, वो ये कि हम आज कुल मिलाकर 31 मरीजों को तो हमने डिस्चार्ज किया है और 29 मरीजों को हमने क्वारंटीन सेंटर भेजा है. अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो डिस्चार्ज पॉलिसी है वो भी चेंज हो गई हैं, तो उसके मुताबिक हमने डिस्चार्ज में हम काफ़ी लिबरल हो गए हैं और मरीजों को हमने, कुछ लोगों को जो होम क्वारंटीन फैसिलिटी थी उनको होम क्वारंटीन भेजा है और जिनको फैसिलिटी क्वारंटीन चाहिए थी उनको फैसिलिटी क्वारंटीन भेजा है. तो एक बड़ी संख्या में हमने आज मरीजों को डिस्चार्ज किया है. इसके अलावा जो पॉजिटिव मरीज हैं जो कि अभी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं और लेकिन ए सिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, तो गाइडलाइन के हिसाब से हमने कायड़ रोड स्थित आयुर्वेद भवन में उनको भेजा है. जब उनके रिपीट टेस्ट करेंगे या उनके 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनको फिर वहाँ से घर भेजेंगे. तो इस तरीके से हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो गई ईश्वर की दया से. अब हमारे पास में कुल मिला के जो सीरियसली इल पेशेंट हैं वो सिर्फ 2 रह गए हैं. वो दोनों पेशेंट हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए हैं. जेएलएन आज शाम तक पूरा खाली हो जाएगा. आईएलआई ओपीडी और सीरियसली इल सीरियसली सस्पेक्ट को हमने अभी आइसोलेशन हॉस्पिटल में व्यवस्था करी है. 2 दिन में हम पूरे जेल को सफाई धुलाई और सैनिटाइज करके और फिर जैसा भी जितनी भी जल्दी हमारी व्यवस्था होगी सोमवार या मंगलवार से आम पब्लिक के लिए आम दिनों की तरह पूरी फैसिलिटीज़ को हम जेएलएन को चालू करेंगे. जैसा पहले चलता था बिल्कुल वैसा का वैसे चालू करेंगे. अब इस चालू करने के साथ जनता को सुविधा हो गई है लेकिन हमें थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि हमें 2 चीज़ें चलानी पड़ेंगी एक साथ. एक तो जेएलएन को पूरा पहले जैसे चलता था वैसे चलाना पड़ेगा, साथ ही साथ सीरियस पेशेंट कोविड के हमको रखने हैं और पेशेंट के जो कोविड जो पेशेंट हैं उनकी ओपीडी भी हमको चलानी है. तो हमारे पास में अब थोड़ा दोहरा भार है लेकिन कोई बात नहीं. हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो साथी डॉक्टर हैं, हमारा स्टाफ है, वो इस काबिल है, इस दोहरे भार को झेल पाएगा और हम मरीजों की पूरी तन्मयता से सेवा कर पाएंगे. सर जो ये 3 आए कांटे हैं किस जगह के नाम? मैंने बताया ना कि एक तो जो हमारे पास पहले ही भर्ती हैं उनके पत्नी और बच्चे हैं मीठालाल चौक के, और एक महिला और है, उसके एड्रेस तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो भी, उसके भी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हैं हमारे पास में भर्ती हैं.